जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी के बारे में बताऊंगा, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं और देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। देवोत्थानी एकादशी का क्या महत्व है? तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे इस ज्योतिष क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य करें, लाइक और शेयर भी करें। देवोत्थानी एकादशी अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य है। यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज अपने मानस पुत्र नारद जी महाराज को प्रबोधिनी एकादशी के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, अब मैं सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली और सभी प्रकार के पुण्य और मुक्ति को देने वाली देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व मैं बताता हूँ, वो सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि सभी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से या पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास रखने से 7 जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का लोक में मिलना दुष्प्राप्य है, कठिन है, वो वस्तु देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पर्व जन्म किए हुए पाप और बुरे कर्मों को देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस देव प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वो उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर के वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर के और सुख भोगते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल के से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने से तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान करने का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जन्म सफल है जिसने देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त पापों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वो धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की वो अत्यंत प्रिय हैं
और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, हवन, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय फल पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल अवस्था में, यौवन अवस्था में या फिर वृद्धावस्था में जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर के जो पुण्य करता है वो पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते हैं उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मप्रायण होकर के अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा करने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान मुझे बताइए, कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वो भी मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआ आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के पास गीत, नृत्य, बाजे और कथा कीर्तन से में समय व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग करके बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और इसका फल तीर्थदान आदि से भी करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बील पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम में भी तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उनको छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या तुलसी का रोपण करते हैं या तुलसी की सेवा करते हैं वे कोटि युग तक जो है भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वो प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदंब के पुष्प से पूजा करते हैं वो यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं। सारे मनोवांछाओं को पूरा पूजा करने वाले भगवान कदंब पुष्प को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदंब के पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान के समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से
भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सोने का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान के चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और लाल रंग के कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में निवास मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर के भगवान की पूजा करें और इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देकर के मीठे वाक्यों द्वारा उन्हें विदा करें और इसके बाद में भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को हुई सी दक्षिणा देकर के नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें, स्वर्ण सहित बेल आदि का दान करें। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिलदान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में जूते इत्यादि धारण नहीं करते हैं उन्हें जूते इत्यादि दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें नमक और शक्कर आदि दान करने चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक में घी की बत्ती, घी और बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करने चाहिए। जो मनुष्य तो देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को सुनते हैं और पढ़ते हैं उन्हें अनेक प्रकार के गौदान का फल मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय हो। ये एकादशी महात्म्य पूरा हुआ। ये एकादशी महात्म्य विष्णु पुराण से लिया गया है। देवोत्थानी एकादशी में क्या विशेष पूजन करना चाहिए, किन किन का विशेष पूजन करना चाहिए और तुलसी विवाह किस प्रकार करें, इस दिन कौन से मंत्र का जाप करें, क्या क्या विशेष करें जिससे कि घर में सुख और शांति आए, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसको ज़रूर आप देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।